नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मामलों में एक बार फिर से छलांग देखने को मिल रही है, जहां पिछले 24 घंटे में 8,329 नए मामले देखने को मिले हैं। इस बात की सूचना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय ने बताया है कि एक दिन में 8,329 नए मामले आने के बाद कोरोना से अब तक संक्रमितों की संख्या 4,32,13,435 हो गई है। देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शनिवार यानी कि आज पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया। परेड के बाद 377 जेंटलमैन कैडेट देश विदेश की सेना का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें 288 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले हैं, जबकि 89 कैडेट 8 मित्र देश अफगानिस्तान, भूटान, किर्गिस्तान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, तजाकिस्तान और तंजानिया की सेना का हिस्सा बने हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 T20 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मैच के दौरान खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन के जरिए सुर्खियां तो बटोरी, मगर कुछ फैंस मारपीट कर चर्चा में आ गए हैं, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। केंद्र सरकार ने नौसेना कर्मियों को तोहफा दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने समुद्र में तैनाती के लिए दिए जाने वाले भत्ते में फेरबदल करने का फैसला किया है। ये भत्ता समुद्र में तैनाती के दौरान कर्मियों के लिए होने वाले जोखिम और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। चीनी कंपनियों के काम करने के तौर तरीकों पर सरकार की पैनी नजर है। कुछ महीने पहले स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी शाओमी से पूछताछ हुई थी, तो अब हुवाई से भी कुछ अधिकारियों को आयकर विभाग की तरफ से समन भेजा गया है। आयकर विभाग की शिकायत पर दिल्ली की एक अदालत ने हुवाई टेलीकम्युनिकेशंस के सीईओ ली जियोन्ग्वे और 3 टॉप ऑफिशियल्स को समन किया है। जल्द आप व्हाट्सएप चैट का बैकअप अपने पर्सनल डिवाइस पर भी ले सकेंगे। दरअसल व्हाट्सएप एंड्रॉइड यूजर को अपने चैट बैकअप को ऐप से बाहर स्टोर करने में मदद करने के लिए एक नए तरीके पर काम कर रहा है। ये चैट बैकअप न सिर्फ गूगल ड्राइव में स्टोर होगा, बल्कि यूजर इसे लोकल स्टोरेज में एक्सपोर्ट भी करेंगे। एक नई रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप यूजर को गूगल ड्राइव के बाहर अपनी चैट का बैकअप लेने की अनुमति देगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर लंबी अटल टनल रोहतांग को निहारा है। सीमा सड़क संगठन योजक परियोजना के चीफ इंजीनियर जितेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बीआरओ ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। चीफ इंजीनियर जितेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति को अटल टनल की खूबियों से अवगत कराया। राष्ट्रपति ने अटल टनल के निर्माण को इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि ये परियोजना देश का गौरव है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को टालने के लिए अब सरकार के सामने घरेलू व्यापारियों के संगठन कैट ने अनुरोध किया है। संगठन का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का अभी कोई विकल्प नहीं है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से लागू होगा। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ कैट ने कहा है कि ये एक व्यावहारिक कदम है और पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद से जुड़ी एक शॉकिंग जानकारी दी है, जो उनके फैंस के लिए बेहद बुरी है। जस्टिन ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि उन्हें रामसे हंट सिंड्रोम डायग्नोस हुआ है, जो कि फेशियल पैरालिसिस की वजह से बन रहा है। प्रचंड गर्मी और लू की मार झेल रहे देशवासियों को 16 जून के बाद राहत मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञों का दावा है कि अगले सप्ताह से प्री मॉनसून की गतिविधियां शुरू होंगी, जिसका असर पहाड़ों से लेकर नीचे मैदानी इलाकों तक दिखेगा। इसी दौरान लू की मार झेल रहे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी में बारिश से कुछ राहत मिलने का अनुमान लगाया गया है। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुरुवार शाम को 5 T20 मैच में पहला मैच खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम ने मेहमान टीम को काफी बड़ा स्कोर दिया था। पहला मैच हार गई है, जिसके बाद ही अब दूसरे मैच को लेकर तैयारियां तेज है और सभी की नजर दूसरे मैच पर है। रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है। अब तक ये कब तक चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। भारत को रूस ने बड़ा उपहार दिया है। रूस ने भारत के साथ महत्वपूर्ण करार पर हस्ताक्षर कर दिया। इस करार के तहत भारत के हवाई अड्डों के लिए रूस की एक बड़ी कंपनी लैंडिंग सिस्टम इंस्ट्रूमेंट मुहैया कराएगी। इसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूस की कंपनी के बीच हस्ताक्षर हो गया है। ट्रेडिंग का मतलब सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना होता है। ट्रेडिंग भी कई प्रकार की होती है। एक दिन से लेकर सालों के लंबे अंतराल के लिए भी ट्रेडिंग की जाती है। इसके साथ ही अलग अलग बाजारों के माहौल और वहां मौजूद जोखिम से जुड़ी विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियां शेयरों में कारोबार करने के समय अपनाई जाती है। सरकार ने खाद्य महंगाई को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों गेहूं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2022-23 में भारत से 70 लाख टन गेहूं निर्यात का अनुमान लगाया है। संगठन का कहना है कि पाबंदी में अपवाद के कारण पिछले 5 साल में भारत ने औसत निर्यात से यह अधिक होगा। दुनिया के सबसे महंगी स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी में से एक जीतने के लिए जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी के बीच की लड़ाई अब दिखाई देने लगी है, क्योंकि रविवार से शुरू होने वाली बोली में ओटीटी दिग्गज अमेजॉन ने इंडियन प्रीमियर लीग के मीडिया अधिकारी हासिल कर लिए हैं।
चीन अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में लगातार निवेश कर रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान में प्रदूषण जैसी समस्याएं बढ़ गई है। हालांकि पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को देश की बीमार अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर करार बताया है, लेकिन तथ्य यह है कि चीन मेगा परियोजनाएं गिलगित बल्तिस्तान के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव दिखा रहा है। टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का स्टॉक 2 साल से निवेशकों को लगातार मल्टीबैगर रिटर्न दे रहा है। शुक्रवार 10 जून को एक बार फिर से इस शेयर ने जबरदस्त दौड़ लगाई है। हालांकि साल 2022 में यह शेयर दबाव में रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस शेयर में तेजी दिखाई दे रही है। शुक्रवार को इस शेयर ने 9.98% की छलांग लगाई और यह 140.50 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक शनिवार को। इस बैठक में सीमा सुरक्षा और सड़क परिवहन, उद्योग, पानी और बिजली जैसी बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों के साथ व्यापक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में बड़ा इजाफा जुलाई के बाद हो सकता है, क्योंकि AICPI के आंकड़े बताते हैं कि कर्मचारियों को 5% का महंगाई भत्ता मिल सकता है। इससे कर्मचारियों को 39% डीए मिलेगा, यानी अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है। कुछ महीने पहले फोन पे ने मोबाइल रिचार्ज पर सर्विस चार्ज के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज लेने का ऐलान किया था, जिसका ग्राहकों ने काफी विरोध किया था। और अब पेटीएम ने भी मोबाइल रिचार्ज पर एक्स्ट्रा चार्ज लेना शुरू कर दिया है। यदि आप पेटीएम से मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो आपको 1 रुपए से लेकर 6 रुपए तक सर्विस चार्ज देना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर एक उल्लेखनीय पहल की गई है। भारत के लिए यह गौरव की बात है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के कामकाज में अब हिंदी भाषा को भी जगह दे दी गई है। UNGA ने इस दिशा में एक उल्लेखनीय पहल करते हुए बहुभाषावाद पर भारत की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव को पारित कर दिया है। इसका मतलब अब UNGA के कामकाज में हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं को भी तवज्जो मिलेगी। चीन के पड़ोसी मंगोलिया के साथ भारत ने सांस्कृतिक डिप्लोमेसी की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इस विषय में देश की नई रणनीति का सिलसिलेवार खुलासा किया है। इस सिलसिले में मंगोलिया के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने अब मंगोलिया सरकार के आग्रह पर भारत भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष भेज रही है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। इस बीच खबर मिल रही है कि पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारी अब नई कार नहीं खरीद पाएंगे। बढ़ते राजकोषीय घाटे को कम और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट पैकेज पाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने अमीरों पर टैक्स बढ़ाने की घोषणा कर दी है। खेती में कृषि यंत्रों का प्रयोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करके कम समय और श्रम दोनों की बचत कर फसल का उत्पादन कर रहे हैं। इससे लागत में कमी आ रही है और लाभ बढ़ रहा है। कृषि यंत्रों की सहायता से कम श्रम और समय में किसी का काम निपटाया जा सकता है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के बाद एक और बीमा कंपनी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस IPO लॉन्च करने के मूड में है। सूत्रों के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और निजी इक्विटी फर्म वारबर्ग पिंक्स द्वारा समर्पित इस बीमा कंपनी ने अपने प्रस्तावित IPO के लिए निवेश बैंकों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। नेटफ्लिक्स इंक के शेयरों में शुक्रवार को 5% की गिरावट आई है। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस गोल्डमैन सैक्स ने धीमे उपभोक्ता खर्च और अमेजन और वॉल्ट डिज्नी कंपनी से कड़ी प्रतिस्पर्धा के जोखिम को देखते हुए नेटफ्लिक्स के शेयरों पर अपनी रेटिंग को घटा दिया है, जिसके बाद कंपनी के शेयर फिसल गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला इंक ने शुक्रवार को कंपनी के एक शेयर को 3 शेयरों में विभाजित करने का ऐलान किया है। स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयर सस्ते हो जाएंगे और छोटे निवेश की भी इस पर दाव लगाने की विकल्प उनको मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को पुणे दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पुणे में सटे तीर्थ क्षेत्र देहू में स्थित जगतगुरु संत तुकाराम महाराज के शिला मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पाकिस्तान में संघीय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश कर दिया है और इस संबंध में जिस खबर पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है कि वो है वेतनभोगी वर्ग के लिए टैक्स में कटौती। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि अब 1 लाख रुपए महीना यानी कि 12 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लोगों को आयकर भरने से छूट दे दी गई है। सरकार IDBI बैंक के निजीकरण के लिए जुलाई महीने के अंत तक आरंभिक बोली आमंत्रित कर सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग बिक्री के लिए अभी अमेरिका में निवेशकों के बीच प्रचार प्रसार कर रहा है। उन्होंने बताया है कि इस तरह की कुछ और निवेशक बैठकों के बाद बिक्री की रूपरेखा तय होगी। उन्होंने यह भी कहा कि IDBI की रणनीतिक बिक्री के लिए हो सकता है कि RBI के साथ एक और दौरे की बातचीत करनी पड़े। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रामा वर्मा, नुनु कुमार, अखिलेश यादव, सुभाष ठाकुर, मुन्ना ठाकुर, प्रिया यादव, राजकुमार प्रसाद, सुरेंद्र पंडित। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पेमेंट के लिए सबसे अच्छा एप्लीकेशन कौन सा है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।